दिस इज़ कविता। मैं हमेशा अच्छे फूड के बारे में बात करती हूँ कि विच आर द बेस्ट फूड फॉर आवर हेल्थ, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि विच आर द वर्स्ट फूड फॉर आवर हेल्थ और विच वी शुड अवॉइड। तो उसमें सबसे पहले है ऑयली फूड। ऑयली फूड जो स्पेशली जो मार्केट के हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एक ही ऑयल में जो है वो बार बार उसको फ्राई करते रहते हैं, और जिससे कि उसमें जो है वो ट्रांसफैट होता है, वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाता है जो फैट होता है, और वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, और उससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स देते हैं, इवन हमें कैंसर जैसे डिजीज जो है वो इस वजह से हो सकते हैं ट्रांसफैट से। और दूसरा है कि हमें जो है वो आर्टिफिशियल शुगर, कि हम कैलोरीज से बचने के लिए हम आर्टिफिशियल शुगर लेते हैं, बट आर्टिफिशियल शुगर में जो है वो ब्रेन, उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा टू मच फाइबर, अगर हम अपने फाइबर्स आर रियली गुड, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा फाइबर से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि फाइबर, बहुत ज़्यादा फाइबर को हमारा स्टमक जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और वो हमारे स्टमक को अपसेट कर देता है, तो उससे भी हमारा डाइजेशन पे इम्पैक्ट करता है। और जो है वो हमें स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी फूड है, बहुत ज़्यादा मसाले वाला फूड है, वो भी एसिडिटी और इनडाइजेशन और भी तरह तरह के कॉन्स्टिपेशन टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड से बचना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर से, बहुत ज़्यादा जो फ्रक्टोज है, जो फ्रूट्स में जो शुगर होती है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी जो है वो हमारे स्टमक को अपसेट करते हैं, क्योंकि वो जब आप ज़्यादा वो लेंगे तो उससे जो है वो आपके शुगर का जो ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको वो इम्पेक्ट करता है, तो उससे, और हमारा जो हार्मोन होता है इंसुलिन, जो हमारा जो है वो शुगर को रेगुलेट करता है बॉडी में, उसको भी वो इम्पेक्ट करता है, तो हमें ज़्यादा शुगर से भी बचना है। तो हम इन सब चीज़ों से, और ज़्यादा कैफीन भी हमारे जो डाइजेशन है उसको जो है वो हैम्पर करता है, उसको डिले कर देता है, मतलब अगर आप खाने के बाद अगर आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, वो आपका जो खाना है उसके प्रोसेस को लंबा कर देता है कैफीन, और वो आयरन जो है उसके एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो लोग चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि कॉपर का जो ये हम जो आयरन होता है वो कॉपर के उससे होता है, उसके लिए कॉपर का होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी, जब तक हमारी बॉडी में कॉपर नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, कॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो है वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, और इस कॉपर के एब्जॉर्प्शन को जो है वो कैफीन जो है वो उसमें जो है वो उसको होने नहीं देता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उससे हमें अवॉइड करना है कैफीन को भी। अब कुछ ऐसे फूड हैं जो हमारी बॉडी में हम खाते तो हैं लेकिन वो अनडाइजेस्टेड रहते हैं, वो जैसे हम खाते हैं वैसे ही जो है वो रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से, तो वो कौन कौन से हैं कि वो हेल्दी हैं, हम उनको मतलब वी प्रेफर दैम हेल्दी, हम बहुत सारे लोग हम में से ये सोचते हैं कि ये हेल्दी हैं तो हमें खाने चाहिए, बट वो फूड जो है हमें बहुत टाइम तक हमारी बॉडी में एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं, और वो एसिडिटी हमें जो है वो एसिडिटी करते हैं हमारे गट में जाके, और हमारा जो है वो बैलेंस ख़राब करते हैं हमारे उसका, क्योंकि हमारे गट में जो है वो हमारे स्टमक में और हमारे इंटेस्टाइन में एक बैलेंस होता है, एल्केलाइन, ये एल्केलाइन फूड है और ये एसिडिक फूड है, इसका एक बैलेंस होता है कि दोनों का पीएच वैल्यू जो होती है हमारी, वो पीएच वैल्यू को ये डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा जो स्टमक को एसिडिक कर देते हैं, यानी एसिडिटी एसिड को बढ़ा देते हैं और एल्कलाइन को, जबकि दोनों का प्रॉपर कॉम्बो होना बहुत ज़रूरी, दोनों का एक बैलेंस होना ज़रूरी है अच्छे डाइजेशन के लिए और जो अच्छे बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए, इन दोनों का प्रॉपर होना ज़रूरी है, तो ये एसिडिक को बढ़ा देता है और एल्केलाइन को कम करता है, तो उससे हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, इनडाइजेशन, डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करते हैं फिर, और उसकी वजह से ही हम जो है वो फिर हमें एंजाइटी और हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट होता है, जैसे मैंने अपने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था। और इसके अलावा हम बीन्स जो है वो हेल्दी है लेकिन वो भी डाइजेस्ट नहीं होती, कॉर्न है, कॉर्न इज़ हेल्दी बट वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से, और सीड्स हैं जैसे कुछ, तो अगर आप उन्हीं फॉर्म में खाते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर हैं या सीसम सीड्स हैं, वो भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं,
और जो स्किन होती है इसकी, जो हमारे वेजिटेबल्स हैं जैसे टमाटो है या और भी जो उनकी स्किन्स होती हैं, वो भी जैसे बेल पेपर है, उसकी स्किन हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उनको जो है या तो आप उनका एक पेस्ट इनको ग्राइंड करके खा सकते हैं कि अगर आप इनको ग्राइंड करेंगे तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूलों में डिवाइड हो जाएंगे और हमारे बॉडी में जो हमारे स्टमक जो है वो उसमें जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे और इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इनको फॉर्म में खाना चाहते हैं तो इनको ग्राइंड करके खाइए, इनको एज इट इज़ अगर आप ऐसे एज इट इज़ खाएंगे तो ये आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे और दूसरी चीज़ों को भी डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करेंगे और बहुत टाइम तक अपने आपके स्टमक में कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेंगे और आपको स्टमक में ही रहेंगे और वहीं पर जो है वो एसिड का वो बढ़ाते रहेंगे लेवल और आपको डायरिया या फिर आपको डायरिया क्रिएट करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए होती रहेंगी। तो आप इस तरह के फूड्स को आप अवॉइड करें या फिर इनको ग्राइंड करके दूसरे फ्रूट्स के साथ में ग्राइंड करके स्मूदी बना के या उस फॉर्म में दूसरी फॉर्म में आप लेंगे तो आप इनको इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।